दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। और बिटकॉइन ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद लगातार ग्रोथ शो करी है। बिटकॉइन अपने $89,000 के माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है। इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच, जिसमें उन्होंने बोला कि अमेरिका को बिटकॉइन रिजर्व या डिजिटल एसेट्स के रिजर्व बनाने चाहिए, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस लीडरशिप में जो सपोर्ट मिला है वो एलन मस्क से मिला है। एलन मस्क ने कुछ समय पहले यह अनाउंस किया था कि आप टेस्ला अगर आपको खरीदनी है तो आप अपने बिटकॉइंस के थ्रू खरीद सकते हैं। और एलन मस्क के पास लगभग $800 मिलियन के बिटकॉइंस अवेलेबल हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को भुनाना चाहेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहेंगे। जैसे ही बिटकॉइन एक हाई लेवल्स को रीच करेगा, हो सकता है कि वो सारे के सारे बिटकॉइंस को लिक्विफाई कर दें और बिटकॉइन का मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ध्यान से ये इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स, अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो एक लंबे समय के स्टैग्नेशन के बाद, एक लंबे समय के प्लेट्यू ट्रेजेक्ट्री के बाद बिटकॉइन राइज हुआ है, बिटकॉइन ऊपर की तरफ गया है। 2021 से हम देख रहे हैं लगातार कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा चाल हमें देखने को नहीं मिली। 2021 में कई सारे स्टार्टअप्स को भी इस चीज ने बड़ा इंपैक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा था। और उसके बाद बाइडेन सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं इस पर मेजर डिसीजंस नहीं लिए है। बट ट्रंप सरकार ने ये बोला है कि हम अपने बिटकॉइन रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, तो इस तरह से हमारा जो क्रिप्टो विंटर है वो खत्म होता है, राइट। दिस रिवाइवल फॉलोज ऑप्टिमिज्म अबाउट क्रिप्टो फ्रेंडली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है विच इज क्रिएटेड एंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। They are not printed like rupees or dollars, ठीक है। इसी का फ्यूचर है, ऐसा बोला जा रहा है कि अब आने वाला समय कैसी करेंसी का है? डिजिटल करेंसी का। इसको सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रपोज किया था, विच वॉज एन इलेक्ट्रिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रूफ। मतलब ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, राइट। आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हो, बट आपका पैसा कहाँ है एक्चुअली आपको नहीं पता। आपने मान लीजिए 100-100 रुपए के एक पर्टिकुलर नंबर वाले 10 नोट अपने अकाउंट में जमा किए, क्या वो आपके अकाउंट में अभी भी डिपॉजिटेड है? क्या आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है? नहीं। आपके पास तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है ना कि आपके अकाउंट में 100 रुपए के 10 नोट मतलब 1000 रुपए डिपॉजिटेड है। आपने जो डिपॉजिट किए वो नहीं डिपॉजिटेड है, राइट। वो बस डिपॉजिटेड है, बैंक के पास उसका प्रूफ है, बैंक आपको प्रूफ दे सकता है। यहां पर आपको किसी भी तरीके का जो ट्रांजेक्शन होगा बिटकॉइंस में वो आपको पता चलेगा। मतलब आप थर्ड पार्टी नहीं हो, आप देख सकते हो कि मैंने जो भी पैसा बिटकॉइंस में डाला है वो कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है या किसको किसको दिया जा रहा है। बिटकॉइन इज क्रिएटेड डिजिटली बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल दैट एनीवन कैन ज्वाइन, दीज आर ऑल कॉल्ड माइनर्स। बिटकॉइंस आर माइंड यूजिंग कंप्यूटिंग पावर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, राइट। इट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग कैटेगरी ऑफ मनी नोन एज क्रिप्टो करेंसी। एक ही नहीं है, कई सारे हैं, शिबा इनू, डॉजे कॉइन, इथेरियम, कई सारे, राइट। बिटकॉइन का पोस्ट इलेक्शन सर्ज हमें हमेशा देखने को मिला है, राइट। बिटकॉइन हैज राइजन शार्पली सिंस द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, क्लाइंबिंग टू $89,637 इन एशिया, अप ओवर 25% सिंस नवंबर 5। ये पहली बार नहीं है, ये बार बार हमें देखने को मिला है। ट्रंप ने ऐसी स्पीच दी थी कि हमें नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बनाने हैं, इसलिए ये सर्ज आया है, ठीक है। टोटल क्रिप्टो करेंसी का अगर मार्केट वैल्यू देखें तो इट्स अराउंड $3.1 trillion, विच विल बी बूस्टेड बाय स्पेकुलेशन ओवर क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज। ट्रंप्स कैंपेन प्रॉमिसेस सच एज टर्निंग द यूएस इनटू अ हब फॉर डिजिटल एसेट्स हैव स्पर्ड इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो माइनिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो नया आया है उसने ये प्रॉमिस किया है कि हम देश को, यूएस को एक डिजिटल एसेट हब बनाएंगे, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में इसीलिए हमें तेजी देखने को मिल रही है। राइट प्लेटफॉर्म्स, मारा होल्डिंग्स, क्लीन स्पार्क जैसे कई सारे क्रिप्टो माइनर्स हैं जिनके स्टॉक्स में हमें बढ़त देखने को मिली, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटजी जो एक बिटकॉइन के मेजर इन्वेस्टर्स हैं, लगभग $2 बिलियन का बिटकॉइन का परचेज इन्होंने कर रखा है, इनके स्टॉक में 26% का उछाल आया है, ठीक है। जब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं हर बार बिटकॉइन में सर्ज आता है। ओबामा इलेक्शन के दौरान 87% का सर्ज आया था, 44% का सर्ज आया था ट्रंप की 2016 की विक्ट्री के बाद। बाइडन के 2020 विन के बाद लगभग 145% का गेन हुआ था बिटकॉइन में। मतलब हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ये बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। क्रिप्टो में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट क्या है? इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन के
ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी अप्रूव हो चुके हैं. दे अलाउ इन्वेस्टर्स टू गेन एक्सपोजर टू बिटकॉइन विदाउट हैविंग द रियल एसेट. मतलब बिटकॉइन उनको रखना नहीं पड़ेगा अपने पास, बल्कि वो ETFs में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक मार्केट के साथ ही चलते हैं, मतलब उनमें वोलेटिलिटी पाई जाती है. ठीक, फेडरल रिजर्व का जो इंपैक्ट है क्रिप्टो मार्केट पर, वो अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व ने अपने रेट को कट किया, जो कि बिजनेसेस को बढ़ाएगा. अगर बिजनेसेस को बढ़ाएगा तो बिटकॉइन की रैली बढ़ेगी ही बढ़ेगी. दिस शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हैज मेड अल्टरनेटिव एसेट्स लाइक बिटकॉइन मोर अपीलिंग, स्पेशली एज इन्फ्लेशन कंसर्न सबसाइड. देखिए, जैसे जैसे महंगाई कम हो रही है, ठीक, उन्होंने रेट कट कर दिया. रेट कट कर दिया तो बॉन्ड यील्ड कम हो गई. ठीक है, जैसे ही बॉन्ड यील्ड कम हुई तो इन्वेस्टर्स कहां शिफ्ट हो गए? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि बिटकॉइन. राइट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का इंपैक्ट अगर हम देखें तो बिटकॉइंस गेन हैव स्पिल्ड ओवर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथेरियम, डॉजे कॉइन एंड कार्डेनो. ठीक है, बिटकॉइन सेट्स द टोन फॉर द मार्केट. इथेरियम सॉ अ राइज ऑफ $3,200 एंड डॉजे कॉइन जंप्स बाय 24%. ठीक है, डिजिटल एसेट्स लिंक्ड स्टॉक्स ऑल्सो रैलीड, इंडिकेटिंग ब्रॉड बेस्ड एंथुसियाज्म फॉर द क्रिप्टो मार्केट. कॉशन क्या है ऐसे समय में? संभलने की जरूरत है. इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि जानबूझकर इस तरीके की रैली लाई जा रही हो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिससे कि सारे इन्वेस्टर्स इसको ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा ग्लोब जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर देगा और वो वहीं से इन्वेस्टमेंट को अपने लूज कर देंगे. मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को खाली कर देंगे क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी नीचे आ जाएगी फिर से एक बार. ठीक है, मार्केट वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस न्यू थिंग एक्चुअली. ठीक है, तो द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज ऑन अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी ड्रिवन बाय बिटकॉइन्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इवॉल्व, बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल एसेट्स कुड एक्सपीरियंस सस्टेन्ड ग्रोथ. इन्वेस्टर्स शुड एक्सरसाइज कॉशन एंड दे शुड डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज. हमेशा आपको बिटकॉइन्स को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हमेशा हेज करके रखना है, जिससे कि आप सारी की सारी कैपिटल एसेट्स लूज ना करो. आई होप दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर यू. थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज टू सब्सक्राइब टू द चैनल.